हिंद दोस्तों, स्पाइस मनी में पैसा ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है ये भी हम जानेंगे, और जानेंगे कि स्पाइस मनी में पैसा ट्रांसफ़र करने पे DMT करने पे हमें क्या चार्ज देना होता है। इस वीडियो में हम आपको यही कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है कि पहले देखिए आपका यहाँ पे देखिए तीन प्रकार का मनी ट्रांसफ़र आपको मिलता है, जो कि YBL DMT मिलता है आपको, स्पाइस मनी DMT मिलता है, BC मनी ट्रांसफ़र भी आपको मिलता है। और इन्होंने देखिए स्पाइस मनी एक नया लॉन्च किया है DMT ओन BC, ये इससे भी आप मनी ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं। तो आप देखिए मनी ट्रांसफ़र के लिए देखिए चाहे यहाँ से कर सकते हैं या मतलब कहीं से भी आप कर सकते हैं, तो चलिए हम यहीं से आपको करके दिखाने वाले हैं। YBL वाले पे हम क्लिक कर देंगे, DMT पे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे देखिए आपका अकाउंट दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए आपको क्लिक करना है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे देखिए आपको अपना अमाउंट डालना है, जैसे कि हम यहाँ पे 33,000 रुपये भेजते हैं। देखिए हम यहाँ पे 33,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं, और यहाँ पे देखिए अपना नाम वगैरह डाल देते हैं। यहाँ पे आप सही ढंग से एक बार अकाउंट नंबर जो होता है वो मिला लीजिएगा, IFSC कोड मिला लीजिएगा, और यहाँ पे देखिए सेंड मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अमाउंट भी एक बार आपको चेक कर लेना है। सेंड पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है कि जो कस्टमर का, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ देखिए ये दिखा रहा है कि जो कस्टमर का, देखिए यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है कि जो कस्टमर का जो चार्ज है वो 250 रुपये लगेगा, यानी कि जिनका आप पैसा भेज रहे हैं वो व्यक्ति रिटेलर को देगा 250 रुपये। और देखिए रिटेलर का जो खर्च गिरने वाला है वो देखिए खर्च यहाँ पे 150 रुपये का गिरेगा, जिसमें से कि आपको 100 रुपये का कमीशन अलग से मिल जाएगा। ये वाला जो पैसा है, यानी कि ये वाला जो आपका पैसा है, ध्यान से सुनिए, ये वाला देखिए जो आपका पैसा है, ये देखिए आपका, तो ये पैसा तो आप कस्टमर से लेंगे, ये आपका चार्ज गिरेगा और ये आपको कमीशन मिलेगा, देख रहे हैं। तो इस प्रकार से यानी कि 33,000 रुपये सिर्फ आप कितना में भेज रहे हैं, मात्र 150 रुपये में। देखिए यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए पासवर्ड डालना होता है, तो पासवर्ड आप लोगों को ध्यान में रखना है, पासवर्ड ये शुरू में जब आप ID बनाएंगे तो वहाँ पे पासवर्ड मांगता है। तो देखिए यहीं पे, तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो देखिए ये देखिए हमारा पैसा देखिए ट्रांसफ़र हो चुका है, जो कि यहाँ पे आप देखिए यस बैंक से ये पैसा ट्रांसफ़र हो गया हमारे बैंक में, हमारे कहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक में चला गया है। 33,000 रुपया ट्रांसफ़र किए हैं, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे सब कुछ आप अच्छे ढंग से देख लीजिए। और यहाँ पे भी देखिए आपको 250 रुपया चार्ज दिखा रहा है, आप कस्टमर से ले सकते हैं, यानी कि जो आप उसको प्रिंट देंगे उसमें भी ये लिखा रहेगा। और देखिए अब आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर भी देखिए सक्सेस दे दिया, तो हम देखिए इसका पहले हम एक स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, क्योंकि स्क्रीन शॉट जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए हम स्क्रीनशॉट वगैरह ले चुके हैं, अब चलते हैं अपने उसमें हिस्ट्री में। अब आपको हम दिखाते हैं कि उसमें हमारा कितना कमीशन मिला है, क्या हुआ है। अब देखिए हमें हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे देखिए हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं, ये देखिए खा रहा है कि आपको जो कमीशन मिला है वो आपको 100 रुपये का कमीशन यहाँ पर मिला है। देखिए यहाँ पर DMT YBL कमीशन 100 रुपये का कमीशन आपको यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि आपका जो चार्ज है वो चार्ज देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे चार्ज कटा है, इतना पे आपका इतना चार्ज कटा है आपका, यहाँ पे देखिए
आपका 100 रुपये कमीशन मिल चुका है। और यहाँ पे देखिए TDS आपका 5 रुपया, ये आपका TDS कट चुका है। तो दोस्तों आप लोग ये बात समझे गए होंगे कि 250 रुपया चार्ज कटा है, 100 रुपया आपको कमीशन मिल गया है, वो भी 33,000 रुपये पर। ध्यान देना है इस बात को, यानी कि आप अगर लंबा अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका पैसा कम लगता है, यही आप अगर छोटा अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका पैसा ज़्यादा लगता है। आपको यानी कि आप अगर 100 रुपये भी भेजेंगे तो 10 रुपये से स्टार्टिंग ही होती है, तो इस बात को ध्यान दें। अगर आप लोगों को अगर स्पाइस मनी का अगर आईडी चाहिए तो आप लोग हमसे ले सकते हैं। स्पाइस मनी का जो आईडी है मात्र आपको 21 रुपये में आपको आईडी मिल जाएगी, यानी कि 21 रुपीज़ में आपको आईडी मिलेगी और आपको सपोर्ट भी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक बात आप लोग और ध्यान दें कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने मोबाइल से ही रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उनकी आईडी रिजेक्ट हो जाती है, उनको बनाने नहीं आता है, तो बार बार फ़ोन करके परेशान करते हैं कि सर अभी हम आईडी हैं। कितने लोग तो झूठ बोलते हैं कि सर हम आईडी बनाए ही नहीं, पता नहीं कैसे हो गया, और कितने लोग कहते हैं रजिस्ट्रेशन कर लिए। आप बताइए ये सब प्रॉब्लम किसको झेलना होता है? डिस्ट्रीब्यूटर को, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर में आप वो डिस्ट्रीब्यूटर कोड डालेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर में जाएगा, आप डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को परेशान करेंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अपने हाथ से रजिस्ट्रेशन न करें, आपको अगर करना है तो हमसे करा लीजिए, जो आपके नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप उनसे अपने आईडी बनवा लीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें कि लेटेस्ट अगर हम बढ़िया या सुंदर आपको अगर जानकारी देंगे तो आपको समझ में आ जाए और आप उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो के लिए जय हिंद जय भारत।